Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today's topic of my video is Cavalier Poets. Friends, History of English Literature की सीरीज में हमने कैरोलाइन एज तक कवर कर लिया है. कैरोलाइन एज में दो तरह के पोएट्स बहुत ही ज्यादा फेमस थे. पहला जो पोएट्स का ग्रुप था वो था मेटाफिजिकल पोएट्स एंड सेकेंड ग्रुप था कैवेलियर पोएट्स. मेटाफिजिकल पोएट्स के प्रोपाउंडर थे जॉन डन एंड मेटाफिजिकल पोएट्स पे मैंने ऑलरेडी दो वीडियोज अपलोड की हुई है जिसमें मैंने सभी मेटाफिजिकल पोएट्स को डिस्कस किया है. सो प्लीज चेक दोस वीडियो ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स. बट आज हम बात करेंगे कैवेलियर पोएट्स की. इम्पॉर्टेंट कैवेलियर पोएट्स से रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग एंड थॉमस कैर्यू. दो ये सभी पोएट्स माइनर पोएट्स हैं बट इनके मास्टर पीसेस हैं जो कि हमें पता होने चाहिए. ये जो कैवेलियर पोएट्स है दे वर द सपोर्टर्स ऑफ किंग चार्ल्स द फर्स्ट ड्यूरिंग इंग्लिश सिविल वॉर. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैरोलाइन एज में किंग चार्ल्स द फर्स्ट रूल करते थे. वो बिलीव करते थे अपने फादर की तरह डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग एंड एब्सोल्यूट मोनार्की में. इसी वजह से उनके पार्लियामेंट से बहुत सारे क्लैशेस होते थे. वो पार्लियामेंट की कोई भी डिमांड फुलफिल नहीं करते थे और ना ही पार्लियामेंट उनकी डिमांड्स फुलफिल करती थी, जिससे उनमें बहुत पार्लियामेंट और किंग चार्ल्स द फर्स्ट में बहुत सारे क्लैशेस होते थे. पार्लियामेंट जो भी कहता था किंग चार्ल्स द फर्स्ट उसमें कोई भी नेगोशिएशंस करने को तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से इंग्लिश सिविल वॉर हुए 1642 से 1651 में बिटवीन पार्लियामेंटेरियंस एंड रॉयलिस्ट. रॉयलिस्ट मीन्स किंग चार्ल्स द फर्स्ट. किंग चार्ल्स द फर्स्ट के सपोर्टर्स को कैवेलियर्स भी कहा जाता था. सो ऐसे पोएट्स जो किंग चार्ल्स द फर्स्ट की प्रेज में लिखते थे, उनको सपोर्ट करते थे, दोस पोएट्स वर कॉल्ड कैवेलियर पोएट्स. सो ये चार पोएट्स जो इम्पोर्टेंट पोएट्स हैं वो कैवेलियर पोएट्स हैं. इन कैवेलियर पोएट्स को ट्राइब ऑफ बेंस या फिर सन्स ऑफ बेंस भी कहा जाता है बिकॉज इनकी पोएट्री इन्फ्लुएंस थी बेन जॉनसन से. सन्स ऑफ बेन एक ये बहुत बड़ी टर्म है. सन्स ऑफ बेन में बहुत सारे पोएट्स आते हैं एंड कैवेलियर पोएट्स इज वन ऑफ देम. सो कैवेलियर पोएट्स एंड सन्स ऑफ बेन ये एक सिनोनिम नहीं है बल्कि सन्स ऑफ बेन के अंडर ही कैवेलियर पोएट्स आते हैं. सो एक तरह से कैवेलियर पोएट दे वर द सपोर्टर ऑफ किंग चार्ल्स द फर्स्ट एंड दे वर ऑल्सो नोन एज सन्स ऑफ बेन. ये पोएट दे वर द सपोर्टर्स ऑफ किंग चार्ल्स द फर्स्ट. इनकी राइटिंग में दिखता था कि ये फेवर कर रहे हैं किंग चार्ल्स द फर्स्ट को एंड इन देयर राइटिंग दे स्पोक आउटवर्डली अगेंस्ट पार्लियामेंटेरियंस. पार्लियामेंटेरियंस के अपोजिशन में वो लिखते थे. दे ड्रू नॉलेज फ्रॉम हॉरेस, सिसेरो एंड ओविड. और ये सारे लेटिन राइटर हैं या फिर रोमन राइटर्स हैं बट स्टिल एक मॉडर्न राइटर उनकी राइटिंग्स को बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है. दे सेलिब्रेट ब्यूटी, लव, नेचर, सेंसुअलिटी, ड्रिंक्स, गुड फेलोशिप, ऑनर, सोशल लाइफ. जो एक रॉयलिस्ट सपोर्ट करते थे ये अपनी पोएट्री में इन सबको सेलिब्रेट करते थे. पार्लियामेंटेरियंस जो कि मोस्टली प्यूरिटन्स थे वो ब्यूटी, लव, नेचर, सेंसुअलिटी, ड्रिंक्स इन सबको अपोज करते थे. जबकि ये कैवेलियर पोएट्स क्योंकि ये किंग चार्ल्स द फर्स्ट के सपोर्टर्स थे ये ब्यूटी, लव, नेचर, सेंसुअलिटी, ड्रिंक्स को सपोर्ट करते थे और सेलिब्रेट करते थे अपनी पोएट्री में. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चार पोएट्स कैवेलियर पोएट्स थे. रॉबर्ट हेरिक उनमें से ऐसे कैवेलियर पोएट थे जो कि कोर्टियर नहीं थे. बाकी जितने भी पोएट्स थे वो कोर्टियर्स थे. किंग चार्ल्स द फर्स्ट के कोर्ट में किसी ना किसी पोस्ट में थे जबकि रॉबर्ट हेरिक एक क्लर्जीमैन थे. आप अगर इनकी लाइफ स्पैन देखेंगे तो आप देखेंगे कि जॉन सकलिंग एंड थॉमस कैर्यू दे डाइड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ इंग्लिश सिविल वॉर. इंग्लिश सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी 1642 में जबकि इनकी डेथ हो गई थी 1641 एंड 1640 रिस्पेक्टिवली. बट स्टिल उनको कैवेलियर पोएट्स कहा जाता है क्योंकि इनकी पोएट्री में किंग चार्ल्स द फर्स्ट का सपोर्ट दिखता है और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी पोएट्री में दिखते हैं. तो वन बाय वन हम इन पोएट्स को देखते हैं. सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट पोएट है रॉबर्ट हेरिक. ही रोट नियरली टू
1500 poems, but most of his poems are under his work Hesperides. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. अगर हम रॉबर्ट हेरिक का नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में एकदम से हेस्पेरिडिस का नाम आ जाता है. हेस्पेरिडिस और द वर्क बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन. इसमें इनकी 1200 लिरिकल पोएम्स है. सो हेस्पेरिडिस, इसमें इनकी 1200 पोएम्स कलेक्शन है. दिस वॉज हिज मैग्नम ओपस, इनका मास्टर पीस था. इसमें जो पोएम्स हैं, इसमें दिखाया गया है कार्पे डीएम. कार्पे डीएम एक लैटिन वर्ड है जो कि हॉरेस वर्क ओट से लिया गया है. कार्पे डीएम का मतलब होता है सीज द डे. सीज द डे मीन्स लाइफ इज शॉर्ट, वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल, लव इज स्पेंडेड, वी मस्ट यूटिलाइज दिस शॉर्ट टाइम टू मेक मोस्ट ऑफ इट. मतलब कि लाइफ बहुत शॉर्ट है, सो हमें इस शॉर्ट टाइम को हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, मैक्सिमम सेलिब्रेट करना है, ताकि हम इस शॉर्ट टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें. सो इस हेस्पेरिडिस में हमें ये कार्पे डीएम की पोयम्स देखने को मिलती हैं. इनकी इंपॉर्टेंट पोयम्स हैं इस कलेक्शन ऑफ बुक में. टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम. टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम, इस टाइटल से ही पता लग रहा है कि ये कार्पे डीएम पे बेस्ड है. कोरियाना गोइंग अ मेन, ये भी इंपॉर्टेंट पोयम है. एक और इंपॉर्टेंट पोयम है टू डेफोडिल्स. ये अपने टाइटल के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने पोयम लिखी थी डेफोडिल्स, जबकि रॉबर्ट हेरिक जो कि एक कैवेलियर पोएट है, उन्होंने लिखी थी टू डेफोडिल. तो ये तीन इंपॉर्टेंट पोयम्स हैं इनकी पोयम कलेक्शन बुक हेस्पेरिडिस में. टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं. गैदर ये रोजबर्ड्स वाइल ये मे, old time is still a flying, and this same flower that smiles today tomorrow will be dying. ye bahut important lines hain inki poem to the virgins to make much of time jo ki hesperides mein thi. victorian poets swinburne ne robert herrick ko describe kiya tha that he is the greatest songwriter ever born of english race. so robert herrick apne hesperides ke liye bahut important hain. नेक्स्ट इज रिचर्ड लवलेस. रिचर्ड लवलेस को दो बार इम्प्रिजन किया गया था, 1642 में जब इंग्लिश सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी, एंड 1648 में, एक साल पहले, जब किंग चार्ल्स द फर्स्ट को बीहेड कर दिया गया था. सो दो बार इनको इम्प्रिजन किया गया था, एंड अल्टीमेटली ही डाइड इन पॉवर्टी. जब फर्स्ट टाइम इनको 1642 में इम्प्रिजन किया गया था, तो इन्होंने एक पोएम लिखी टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन. इसमें फाइनल स्टैंजा में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं. स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक, नॉर आयरन बार्स अ केज. ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी लाइन्स हैं जो इनकी बुक टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन से ली गई है. सो ये 1642 में जब वो इम्प्रिजेंट हुए थे पहली बार, तब उन्होंने ये पोयम लिखी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स फ्रॉम दिस पोयम. नेक्स्ट उन्होंने जब वो सेकेंड टाइम जब इम्प्रिजेंट हुए, तब उन्होंने लुकास्टा लिखी. और लुकास्टा एक पोयम कलेक्शन है, उनकी एक बुक है लुकास्टा, और उसमें एक पोयम है टू लुकास्टा गोइंग टू द वॉर्स. सो इसमें एक मैन है, ही इज सेइंग गुड बाय टू द लवर जिसका नाम है लुकास्टा, बिफोर हेडिंग टू द वॉर. वॉर में जाने से पहले वो अपनी लवर लुकास्टा को गुड बाय कह रहा है. सो रिचर्ड लवलेस की दो पोयम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन एंड टू लुकास्टा गोइंग टू द वॉर्स. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोएट है जॉन सकलिंग. जॉन सकलिंग ही इन्वेंटेड द कार्ड गेम क्रिबेज. क्रिबेज एक कार्ड गेम है जो दो लोगों के बीच खेली जाती है. सो इन्होंने ये कार्ड गेम क्रिबेज को इन्वेंट किया था. इनका एक मास्टरपीस है बैलेड अपॉन अ वेडिंग. ये इनका मास्टरपीस है, ये इनकी पोएम है. उन्होंने फोर प्लेस लिखे थे, जिसमें से दो प्लेस हैं एग्लोरा जो कि एक ट्रेजेडी है, एंड गॉबलिन्स जो कि एक कॉमेडी है. 1641 में उन्होंने सुसाइड कर लिया था, एंड हिज पोएम्स आर मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम जॉन डन जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट थे. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पोएट हैं कैवेलियर पोएट थॉमस कैरियू. थॉमस कैरियू ही मे बी कॉल्ड एज ओरिजिनेटर ऑफ कैवेलियर लव पोएट्री. कैवेलियर लव पोएट्री के ओरिजिनेटर थे.
इनकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोयम है एन एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ द डीन ऑफ पॉल्स डॉक्टर जॉन डन. तो इन्होंने जॉन डन जो कि मेटाफिजिकल पोएट थे उन पे एलिजी लिखी और इस एलिजी का नाम था एन एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ द डीन ऑफ पॉल्स डॉक्टर जॉन डन. ही रोट शॉर्ट पोएम्स बट उनकी जो लॉन्गेस्ट पोयम थी अ रैप्चर जो कि 166 लाइन्स की थी. सो ये चार इम्पॉर्टेंट पोएट्स थे जो कि कैवेलियर पोएट्स थे. And if you like my video, then press the like button, subscribe my channel and share this video as much as possible. And thank you. Have a nice day and best of luck for your exams.